दोस्तों, अगर आपके पास कोई नॉच वाला फ़ोन है तो इस वीडियो को ज़रूर से देखना। ये जो ट्रिक है दोस्तों सिर्फ नॉच वाले फ़ोन के लिए ही काम करेगा। अगर आपके पास राउंडेड कॉर्नर वाला फ़ोन है दोस्तों तो दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए ठीक से काम नहीं करेगा। और ये जो ट्रिक है दोस्तों सिर्फ पोको एफ फोन ही नहीं, सभी दोस्तों नॉच वाला फ़ोन के लिए काम करेगा। मेरे पास यहाँ पर पोको एफ फोन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर नॉच मिलते हैं ऊपर। और दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आप अपने पोको एफ फोन के अंदर नोटिफिकेशन को नॉच के अंदर इनेबल करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। ये जो ट्रिक है दोस्तों सभी नॉच वाला फ़ोन के अंदर ही काम करेगा। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बेल आइकन को जरूर से दबाइए। सो दोस्तों आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना होगा। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कोई भी रूट एक्सेस की जरूरत नहीं है, कोई भी बूट लोडर को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होगा। आपको बता दूँ जो एंड्रॉइड वर्सन है और जो MIUI का वर्सन है वो आपको मैं यहाँ से दिखाया था पहले। सो यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों MIUI 10.2.3.0 ग्लोबल स्टेबल वर्सन है, एंड्रॉइड वर्सन 9.0 पोको ये फोन के अंदर। सो ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है एक्चुअली MIUI का लेटेस्ट वर्सन के ऊपर ही काम करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी रूट एक्सेस की जरूरत नहीं है, कोई भी बीटाडॉम के ऊपर आपको रोलिंग आउट नहीं होना पड़ेगा, बीटाडॉम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को अगर आप चाहो डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है नॉच नोटिफिकेशन फॉर MIUI। सो अभी के लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन है सिर्फ MIUI रॉम के साथ ही काम करेगा। अगर आप एक कस्टम रॉम के अंदर हो, पोके फोन के अंदर अगर आप कस्टम रॉम डालते हो उसके बाद इस एप्लीकेशन को ट्राई करते हो तो शायद आपके लिए काम ना करे। सो जो नॉच नोटिफिकेशन फॉर MIUI है दोस्तों, ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर देना पड़ेगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको इनेबल करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर पहले आता है ओवरले इनेबल। सो इसे इनेबल कर लो। तो सभी एप्लीकेशन के अंदर आपको अलाउ कर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों नोटिफिकेशन एक्सेस इनेबल, इसे भी ऑन कर दो। उसके बाद आता है दोस्तों राइट स्टोरेज परमिशन। उसके बाद आता है रिमूव बैटरी लिमिटेशन एंड ग्रांट बूट परमिशन, गो। सो यहाँ पर दोस्तों जो MIUI सेवर मोड है इसे आप नो रेस्ट्रिक्शन में डाल दीजिए। सो अभी के लिए दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हो, अगर यहाँ पर ऊपर दोस्तों ये एप्लीकेशन काम करना शुरू कर दिया है। सो मैं पहले क्या करता हूँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन को जैसे कि आपने देखा दोस्तों, पहले यहाँ पर मेरे डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी नोटिफिकेशन है जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पर ऊपर आपको नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, ठीक है। सो ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों कुछ इस तरह से काम करता है। ऊपर आपको दोस्तों नॉच के अंदर नोटिफिकेशन दिखा दे रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो शायद छोटा सा करके, है। सो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो दोस्तों। इस एप्लीकेशन के साथ आप कोई भी नॉच के अंदर भी दोस्तों नोटिफिकेशन देख पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी इस एप्लीकेशन के अंदर। और कुछ इस तरह से है दोस्तों, सभी एप्लीकेशन जो है दोस्तों सभी एप्लीकेशन के अंदर काम करेगा, ठीक है, ऐसे देख पा रहे हो। ज़रूर से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना। अगर मैं इस एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एप्लीकेशन को मैं यहाँ से क्लियर डेटा मारता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, क्लियर डेटा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है दोस्तों नहीं दिखा रहा है मेरे डिवाइस के अंदर, फिर भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है। अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा है, पर नोटिफिकेशन का जो आइकॉन आता है दोस्तों वो नॉच के अंदर नहीं आ रहा है। सो कुछ इस तरह से दोस्तों इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो। इन भी अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। इस ट्रिक और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बेल आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।